काले कारोबारी जो नशे के रूप में सोलन के युवाओं को मौत बेचने लगे हैं। पहले तो ये काला कारोबार विदेशी और पड़ोसी राज्यों से आए तस्कर करते थे, लेकिन अब हिमाचली युवाओं के साथ साथ अध्यापक भी चिट्टे के काले कारोबार से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोलन पुलिस ने ठान ली है कि इन नशे के काले कारोबारियों का बेनकाब करके उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। काले कारोबारी जो नशे के रूप में सोलन के युवाओं को मौत बेचने में लगे हैं, पहले तो ये काला कारोबार विदेशी और पड़ोसी राज्यों के तस्कर हिमाचल में आकर करते थे, लेकिन अब तो हिमाचल के युवाओं के साथ साथ अध्यापक भी चिट्टे के काले कारोबार से गुरेज नहीं कर रहे हैं। लेकिन सोलन पुलिस ने भी ठान लिया है कि वे नशे के काले कारोबारियों को बख्शने वाले नहीं हैं, चाहे वो विदेशी हो या फिर देसी या फिर हिमाचली ही क्यों ना हो। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार ने बताया कि उनकी टीम द्वारा गश्त पर जब पंजाब की गाड़ी की चेकिंग के दौरान रोका गया तो कार में बैठे दो व्यक्तियों के पसीने छूट गए और दोनों पूरी तरह से हड़बड़ा गए। पुलिस को दोनों पर शक हुआ तो डैशबोर्ड पर रखे बैग को जांचा गया तो उसमें 3.32 ग्राम चरस, 2.57 ग्राम अफीम और 0.25 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया। फिलहाल दोनों को पुलिस ने तुरंत हिरासत में ले लिया है और उनसे जब पूछताछ की गई तो पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम पंकज है वो जुब्बल का रहने वाला है और सोलन में सरकारी स्कूल में इंग्लिश का लेक्चरर है। दोनों को आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है। आपको बता दें कि सोलन शिक्षा का हब है और यहाँ सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय और शिक्षा संस्थान है, इसलिए नशे के कारोबारी सोलन को अपना निशाना बनाते हैं। लेकिन यहाँ खतरे के संकेत तो अब हैं, जब पहले बाहरी राज्यों से नशे सोलन में बेच रहे थे, लेकिन अब अध्यापक भी काले कारोबारियों से जुड़ रहे हैं, जो एक चिंता का विषय है। काला घाट के पास हमारा एक नाका लगा था, एएसआई भगत उस नाके को लीड कर रहे थे, तो एक पीबी नंबर की गाड़ी आई और जब उस गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका गया तो वो जो ड्राइवर उस गाड़ी को चला रहा था तो कुछ हड़बड़ा गया। उस गाड़ी में सामने डैशबोर्ड पे एक कैरी बैग रखा था, उसकी जब तलाशी ली गई तो इसमें 3.32 ग्राम चरस, 2.57 ग्राम अफीम और 0.25 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। इस गाड़ी में दो व्यक्ति बैठे थे जिन्होंने अपना नाम पूछने पे एक व्यक्ति ने पंकज बताया जो कि जुब्बल का रहने वाला है और यहाँ पे एक गवर्नमेंट स्कूल में ये लेक्चरर है, और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम हरदेव सिंह है और हनी इसको बोलते हैं, हरदेव सिंह उर्फ हनी, और ये बेरखास का रहने वाला है। इन दोनों व्यक्तियों के खिलाफ भी एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया और इनको हिरासत में लिया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन इस केस में भी चल रही है। तो ये था आज दिनभर कार्यक्रम, फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप जुड़े रहिए एच टुडे के साथ। नमस्कार।